मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और एक दो माहिती दे देता हूँ डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है। जाहिर आप देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है, पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुकर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में, मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किस में सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है।
तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफ़ेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफ़ेद कभी भी मत खाएं। अब थोड़ा आगे चल के, डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चलता है, उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसकी ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा, ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए, और वही दूध का दही बनाना चाहिए, और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है, उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं, स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है, जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन, गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप, बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाए, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पटेटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाए, हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं, सेम फल्ली आती है, सेम फल्ली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा, अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। 2 सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा ये ही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छी है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए।